हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस का तड़का। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो हम सबकी फेवरेट होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी। अब आप सोच रहे होंगे मैगी में मैंने क्या ही बनाया होगा जो इसका मेरे को वीडियो शूट करना पड़ गया, राइट? तो आज मैं आपको एक छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी कि वैसे मैगी तो सब लोग बना लेते हैं, बट आप क्या क्या चीजें ध्यान रखें उसमें तो आपकी मैगी अच्छी बने। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से मैगी बनाएंगे देयर इज नो गोइंग बैक। पहले मैं प्लेन मैगी खाती थी, मैं सोचती थी कौन इतनी झंझट करेगा कि मतलब सब्जी भी काटे, ये करे, अलग अलग प्रोसेस से मैगी बनाए। बट जब से मैंने ये वाली मैगी खाई है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं 10 मिनट 15 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूँ, पर मैं प्लेन मैगी नहीं खा पाती हूँ। अब मैं यही वाली मैगी खाती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैगी को उबाल लेंगे। सबसे पहली टिप मैगी बनाने की ये है कि आप उसमें पानी कितना डालें, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम दो पैकेट मैगी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम एक ग्लास पानी यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो ग्लास है ये आप पूरा यूज करेंगे पानी भर के। आपको लगेगा कि मैगी पकेगी नहीं शायद इसमें, पर इतना ही पानी आपको यूज करना है, मैगी बहुत अच्छे से पक जाएगी एंड सॉगी भी नहीं होगी। मैगी उबालते टाइम एक पैकेट मसाला हम अभी डालेंगे और एक पैकेट हम डालेंगे लास्ट में। तो अगर आप चार पैकेट मैगी बना रहे हैं तो दो मसाला आप मैगी उबालते टाइम डालेंगे और दो मसाले आप बचाएंगे लास्ट के लिए। तो हमारा पानी भी यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें दो पैकेट जो मैगी थी वो हम डाल लेंगे एक एक करके। स्टार्टिंग में मेक श्योर कि जो आपकी मैगी है वो अच्छे से एक बार पानी में डिप हो जाए, सो दैट वो जल्दी पकेगी उससे। जैसे ही वो एक बार पानी में डिप हो जाएगी तो हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और पकने देंगे। एंड 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैगी को एकदम से अलग अलग करके हम 3 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। मेक श्योर कि मैगी टूटे ना यहाँ पे। हमने यहाँ पे 3 मिनट के लिए और पकाई है एंड आप अभी देख सकते हैं कि मैगी हमारी एकदम रेडी हो गई है एंड पानी भी इसमें जो था वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है मैगी ने, और एंड बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुई है मैगी हमारी। अब हम मैगी में तड़का मार लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है एंड जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने अदरक बहुत ही बारीक काट ली थी एंड इसको आप ऐसे अलग अलग करके करना हाई फ्लेम में। अगर आप एक साथ डालेंगे तो लंप जैसा पड़ जाएगा, एक गट्ठर जैसा हो जाएगा। तो आप इसको अलग अलग करके डालना एंड उसके बाद जैसे ही वो पक जाएगी हमारी अदरक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है जिनको कट कर लिया था बीच में से एंड इसको भी हार्डली थोड़ी देर के लिए हमें पकाना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 कप प्याज ली है, इनको अच्छे से स्लाइस कर लिया था एंड हाई फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम से हाई फ्लेम पे। अब हम सारी वेजिटेबल्स डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप कैबेज ली है, 1 कप कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च, 1 कप यहाँ पे गाजर ली है जिसको लंबा लंबा काट लिया था एंड हम 1/2 कप यहाँ पे हरी मटर लेंगे, ये फ्रेश हरी मटर है हमारी। एंड इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे। वेजिटेबल मैगी बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला ये कि जिस पैन में आप सब्जियां पकाते हैं उसी में आप पानी डाल के मैगी बना लेते हैं। दूसरा मेरा वे है। आपको लगेगा कि दोनों में मैगी का सेम टेस्ट आता होगा, बट नहीं, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है टेस्ट में। एंड अगर आप इस वे से मैगी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने बिना नमक डाले सब्जियाँ अच्छे से पका ली हैं। ये ऑलमोस्ट आधी पक चुकी हैं हमारी सब्जियाँ। ये हाई फ्लेम पे आपको पूरा प्रोसीजर करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मैजिक मसाला। ये जो मैगी का मैजिक मसाला आता है, हम इसमें एक पूरा पैकेट ऐड करेंगे। और ये पैकेट आप एक ही ऐड करें, 2 या 1/2 ना ऐड करें, एग्जैक्टली 1 पैकेट हम यहाँ पर मसाला ऐड करेंगे एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी फ्लेम आप लो मत करना, नहीं तो सब्जियां तुरंत सॉगी हो जाएंगी, बिकॉज इस टेस्ट मेकर में हल्का सा नमक होता है उसकी वजह से। तो हम यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल लेंगे अगर चाहिए तो, अदरवाइज वी कैन स्किप दिस पार्ट। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर। शुगर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी मिठास के लिए। तो यहाँ पे बहुत कम, लाइक 1/2 चम्मच हमें चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया एंड जो हमारी बॉयल मैगी थी अब हम उसको सब्जियों में ऐड कर लेंगे। तो ये भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो एक टेस्ट मेकर हमारा मैगी का बचा हुआ था उसको 1/2 डालेंगे एंड बहुत ही जेंटली आपको इसको मिक्स करना है कि मैगी हमारी बिल्कुल भी टूटने ना पाए। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड 1/2 जैसे मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम जो बाकी का मसाला है वो भी ऊपर से ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो आप एक बार में भी डाल के ऐड कर सकते हैं, बट उससे इवनली टेस्ट स्प्रेड नहीं होगा।
इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप आधा आधा करके ऐड करें एंड देन मिक्स करें। तो ये वेजिटेबल मैगी आप बनाइए, खाइए एंड बताइए मेरे को कि आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।